हेलो गाइस, वेलकम बैक शुभम ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऑयल चेक करने वाले हैं गाड़ी का। क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि यार ऑयल कैसे चेक होगा कैसे नहीं। उससे पहले आपको जैसे कि पता है कि आज 1 जनवरी 2022, तो भाई आप सबको मेरी तरफ से इस साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी अच्छी सफलता मिले इस साल, ठीक है। तो आपका जो ये साल है जो नया, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया जाए, अच्छा जाए। तो ये सब चीज़ मैं भगवान से दुआ करता हूँ आपके लिए। तो आज का जैसे टाइटल और थंबनेल जैसे देख ही लिया, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत से लोगों को ये चीज़ देखने को जरूर मिलती है कि ऑयल है इस गाड़ी का, तो ऑयल कब बदलना चाहिए और कैसे। जैसे कि आपको पता है कि इसमें पॉइंट भी लिखे होता है, तो वो भी मैं आगे वाले कैमरे से दिखाऊंगा। और अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑयल काला हो जाता है या फिर ज़्यादा बेकार हो जाता है, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको ना मैकेनिक को दिखाना सही रहता है, ठीक है। तो चलते बिना कोई देरी वो आगे वाले कैमरे से दिखाऊंगा। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत कम सब्सक्राइब करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ और लाइक ज़्यादा करा करो और कमेंट्स करके बताया करो कि मैं किस किस चीज़ों किस किस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। इंस्टा आईडी फॉलो नहीं करी क्योंकि शुभम ब्लॉग्स 198 करके, तो यार उसको भी फॉलो कर लेना। तो चलते बिना कोई देरी करने के लिए, तब तक के लिए लेट्स गो। तो अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, तो ये देखो तो सबसे पहले अपने को ऑयल चेक करने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखें कि सुबह के टाइम अगर आप जैसी गाड़ी में आते हो तो सबसे पहले ऑयल चेक कर लो, क्योंकि ऐसा रहता है कि सुबह सुबह ऑयल चेक कर ले, ठंडा रहता है इंजन, जिसके कारण है ना जो ऑयल होता है ना तो वो जमा नहीं होता, वो बढ़िया रहता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले उसको ये कर लें, नहीं तो चलने के बाद ऑयल जमने लग जाता है, फिर आपको देखने में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ऑयल ही कम आएगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। और दूसरी चीज़ कि आपकी जो गाड़ी है ना वो सबसे मेन पोजीशन पे होनी चाहिए। जैसे ये मेरी रोड पे लगी है, तो जैसे ये रोड पे लगा रखी है, तो ये देखो एक बार पोजीशन दिखा देता हूँ, तो ये देखो, तो ये बैलेंस इसका ना सामने ही होना चाहिए, देख रहे हो। तो ये बराबरी पे गाड़ी खड़ी है क्योंकि ऑयल इसमें अच्छी तरीके से दिख जाएगा। तो ऐसी जगह पर रखनी है जहाँ का रोड है बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है। और जैसे कि ये देखो ये पोजीशन मैंने, ये देखो बिल्कुल मतलब इधर उधर नहीं है, बिल्कुल बीच में सटीक है, तो इससे ऑयल पूरा आएगा। तो आप चेक करते फटाफट, तो ये हमने इसका ये खोल दिया है। तो अब ये देखना ये चीज़ भाई बिल्कुल भी ये चीज़ इग्नोर कर देना क्योंकि गंदी बहुत है। क्योंकि यार मैं जहाँ खड़ी करता हूँ ना, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब रोड है, तो वहीं पे ना मिट्टी विट्टी बहुत आ जाती है, जिसके कारण है ना सफाई करने में भी बहुत दिक्कत आती है। परसों मैंने साफ़ करी थी, बारिश हो गई फिर ख़राब हो गई। तो ये देखो ये ऑयल का होता है ये वाला, तो ये देखो तो ये ऑयल की कुछ ऐसी डंडी होती है और इस पर लिखा भी होता है, ये देखो रो पॉइंट, तो ये लिखे भी होते हैं, ये देखो। तो ये पॉइंट है, अभी इसको दोबारा साफ करके एक बार और करता हूँ, तो एक बार साफ कर लेता हूँ फिर उसके बाद वो एक बार और दिखा देता हूँ आपको। तो अभी इसको ऐसे साफ कर देता हूँ, ये देखो मेरे में तो ऑयल पूरा है। और इसमें ये भी देखना होता है कि यार ये काला अगर हो जाए ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी से जल्दी मैकेनिक को जरूर दिखा दो, क्योंकि यार पता नहीं है कि अगर काली अगर आपकी गाड़ी ऑयल अगर आपकी गाड़ी का काला हो रहा ना, तो उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि यार इंजन फीज ना हो जाए, क्योंकि काला ऑयल होने की बहुत वजह हो जाती है। तो अभी ये दोबारा डीप करेंगे हम, ये लगा दिया। और गाड़ियों का क्या है कि उनकी जगह बोनट के अंदर होती है, तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसका जो है ना नीचे इंजन है, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है। मैकेनिक भी 100-200 रुपए फालतू मांगते हैं इसके। तो अभी और देख लेते हैं एक बार,
पूरा रखा है। तो इसको कर देते हैं बंद। जैसे कि आपको पता है कि यार अगर गाड़ी में ऑयल नहीं होगा ना तो बिना ऑयल के भाई ये गाड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी, और आपका जहाँ तक इंजन है वो जो कि यार फ्यूज भी हो सकता है, तो इस चीज़ का खतरा हमेशा रहता है। ठीक है, तो हमेशा 2-3 महीने बाद या फिर 15-20 दिन में ऑयल चेक करना बनता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना बताने वाला था। आई होप अगर ये वीडियो अगर आपको ज़्यादा यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर इंस्टा आईडी फॉलो नहीं करी है जो कि शुभम व्लॉग्स 198 करके है, तो यार उसको भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक टिल देन बाय बाय।